वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्लांट्स में होने वाले परमानेंट टिश्यू के फर्स्ट टाइप की बात करने वाले हैं, जो कि है सिंपल परमानेंट टिश्यू। दोस्तों, ये कितने टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट को ये कैसे हेल्प करते हैं, सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डनेस, स्टिफनेस, ये सारी चीजें कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसी बारे में हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो तीन टाइप्स का है, पेरेन्केमा, कॉलेन्केमा और स्क्लेरेन्केमा। चलिए तीनों को बहुत ही आराम से वन बाय वन समझते हैं। शुरुआत करेंगे पेरेन्केमा टिश्यू से। जो पेरेन्केमा टिश्यू है उसका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि ये एक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर एक प्लांट सीधा बड़ा हो पा रहा है, ग्रोथ कर पा रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर पेरेन्केमा सेल्स हैं। और दोस्तों, ये जो पेरेन्केमा सेल्स होते हैं ये सबसे ज्यादा एबेंडेंट होते हैं, मतलब कि एक प्लांट के अंदर ये पेरेन्केमा सेल्स से बनने वाले जो टिश्यूज हैं, पेरेन्केमा टिश्यूज, यही सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, ये इतने ज्यादा प्रेजेंट हैं कि ये कुछ इस फॉर्म में नहीं होते, बल्कि क्योंकि इतने ज्यादा हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। इनकी और प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनके अंदर वैक्यूल्स काफी बड़े होते हैं। वैक्यूल्स क्या करता है, स्टोरेज सैक है। दोस्तों, प्लांट्स के केस में वैक्यूल्स के अंदर सेल सैप होता है, जो कि एक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का ही काम करता है। तो ये चीज बिल्कुल सेंस बनाती है कि कैसे जो पेरेन्केमा सेल्स हैं उसके अंदर वैक्यूल्स काफी बड़े होते हैं, और दोस्तों ये फूड और वाटर को तो स्टोर करते ही हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पेरेन्केमा टिश्यूज हैं, हमें समझ आ गया इनका मेन फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब दोस्तों, ये पेरेन्केमा टिश्यूज के भी कुछ फर्दर टाइप्स हो सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं, काफी आसान है। कुछ पेरेन्केमा टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दोस्तों, ये जो क्लोरोफिल है ये वही चीज है जो कि एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करती है। इसी की वजह से जो एक प्लांट होता है वो ब्रीथ कर पाता है, ऑक्सीजन गैस बना पाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ऐसे पेरेन्केमा टिश्यूज को क्लोरेन्केमा टिश्यूज कहा जाता है, काफी आसान है। ऐसी दोस्तों, साथ में कुछ टिश्यूज ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में जो भी सेल्स हैं, सेल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेसेस होते हैं, और लार्ज स्पेसेस की वजह से इनको एरेन्केमा कहा जाता है। पानी के ऊपर जो भी प्लांट्स उगते हैं वो फ्लोट करते हैं, और वो फ्लोट इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर एरेन्केमा टिश्यूज होते हैं। तो दोस्तों, पेरेन्केमा टिश्यूज के बारे में हमने समझ लिया। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप की, जो कि है कॉलेन्केमा। जो कॉलेन्केमा टिश्यूज होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दोस्तों, अगर एक प्लांट हवा की वजह से बेंड हो जाता है फिर भी नहीं टूटता, तो वो इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर कॉलेन्केमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर आप कॉलेन्केमा टिश्यूज के सेल्स को नोटिस करोगे तो दोस्तों, इनके कॉर्नर्स को देखिए, ये जो कॉर्नर्स हैं ये थोड़े से बाहर निकले होते हैं, इनको इलोंगेटेड और थिकेंड कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी से हम कह सकते हैं कि कॉलेन्केमा टिश्यूज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, काफी आसान है। अब बारी आती है थर्ड टाइप की, जो कि है स्क्लेरेन्केमा। जो स्क्लेरेन्केमा होता है वो हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। दोस्तों देखिए, आप दोबारा से याद कर लीजिए, ये सिंपल सी चीज है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम पेरेन्केमा टिश्यूज का, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कॉलेन्केमा का। पर अब बारी आई है हार्डनेस और स्टिफनेस की। जैसे कि एक ट्री होता है, ट्री की जो मेन ट्रंक है वो कितनी हार्ड होती है, दोस्तों उसके पीछे रीजन यही है कि वहां पे बड़े सारे स्क्लेरेन्केमा टिश्यूज प्रेजेंट है। ये जो स्क्लेरेन्केमा होता है इसके अंदर एक अलग से दोस्तों एलिमेंट होता है जिसको कहा जाता है लिग्निन। ये लिग्निन की वजह से ही इतनी हार्डनेस आ पाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों, आपने कोकोनट का जो आउटर एरिया होता है, ब्राउन कलर का हस्क कहा जाता है, दोस्तों वो इतना ज्यादा हार्ड होता है, और उसके पीछे रीजन यही है कि वो सारा का सारा हमारा स्क्लेरेन्केमा टिश्यूज का बना है। तो दोस्तों, आप समझ गए कि कैसे पेरेन्केमा, कॉलेन्केमा और स्क्लेरेन्केमा टिश्यूज कितने इंपॉर्टेंट हैं एक हमारे प्लांट को सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए। अब दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी चीज है, मैं आपको समझाता हूं। ये जितने भी टिश्यूज होते हैं एक प्लांट में, इनके ऊपर एक और टिश्यू की लेयर हमेशा होती है, और उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। दोस्तों, ये जो एपिडर्मिस होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्लांट के अंदर ये एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करता है, कुछ ऐसी चीज रिलीज करता है जिसकी वजह से प्लांट के अंदर, प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर जो भी वाटर की ट्रांसपोर्टेशन चल रही है धूप की वजह से, वो वाला वाटर इवेपोरेट ना हो जाए, वाटर लॉस को कम करने के लिए ये वैक्सी सब्सटेंस रिलीज किया जाता है। और दोस्तों, साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ होल्स भी होते हैं, ये जो होल्स हैं इनको स्टोमेटा कहा जाता है, और ये जो स्टोमेटा है ये गैसेस और वाटर के एक्सचेंज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है।
तो चलिए आज के लेक्चर में हमने समझ लिया है पूरा का पूरा सिंपल परमानेंट टिश्यू। दोस्तों काफी आसान था, काफी हमें समझ आया कि अभी तक तो जैसे हम नॉर्मल बात करते आए थे कि कैसे डिवाइडिंग टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट को डिवाइड करके फर्दर अपनी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, पर अब हमने स्टडी किया है कि प्लांट की ग्रोथ ही क्यों हो पाती है, उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट कैसे मिलता है, ये सारी चीजें हम समझ गए। अब दोस्तों फाइनली बात आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सा फंक्शन रह गया जो कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू परफॉर्म करता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PUSTAC ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।